हेलो एवरीवन दिस इज योर एजुकेटर और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म वो भी एक सिंगल शॉट में और वो भी एक ऐसी एक्सप्लेनेशन जो कि ना तो आपको कहीं मिली होगी और ना ही मिलेगी बिकॉज हम बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम में इस चैप्टर को पूरा का पूरा समझने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि चैप्टर की हेडिंग का मतलब क्या है चैप्टर की हेडिंग बोल रही है फॉरेस्ट सोसाइटी और दूसरा वर्ड है कोलोनियलिज्म यानी कि ब्रिटिश कोलोनियल रूल के आने की वजह से इंडिया की जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी द पीपल हु वर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट उनके ऊपर क्या असर पड़ा है व्हाट चेंजेस हैव दे फेस्ड आफ्टर द कोलोनियलिज्म ठीक है, है ओके पर सबसे पहला जो टॉपिक आता इज काट देते हो कम कर देते हो अब इंडिया के अंदर फॉरेस्ट को क्लियर क्यों किया जा रहा था देर वर लॉट ऑफ फैक्टर्स हम लोग पांच फैक्टर्स को समझेंगे मेरी उंगलियों की गिनती पर समझेंगे सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट सबसे पहले बच्चों याद रखिएगा कि हम देखते हैं कि हमारे जो कॉलोनियल रूलर्स थे यानी कि द ब्रिटिशर्स उनके वहां पर यूरोप के अंदर इस टाइम पीरियड के दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है मेनी ऑफ दी न्यू इंडस्ट्रीज वर कमिंग अप जिसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया जा रहा था इंडस्ट्रीज बनाने के लिए कल्टीवेशन करने के लिए पैस्टर लैंड के लिए यानी कि जहां ग्रेजिंग करानी है सो अ लॉट ऑफ एरिया वाज एर क्लियर की कमी आ गई थी बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया इंडिया के अंदर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या हुए थे सो डू अंडरस्टैंड दैट सबसे पहली चीज थी बच्चों पॉपुलेशन तो ज्यादा से ज्यादा जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा पेट भरने होंगे ज्यादा पेट भरने के लिए वी नीड टू क्लियर एरिया फॉर कल्टिवेशन और इसी वजह से बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया हम लोग कल्टिवेशन के अंडर लाए जा रहे थे और डिफॉरेस्टेशन हो रहा था सेकेंड पॉइंट इज द डिमांड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स तो बच्चों कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि जूट शुगर व्हीट कॉटन इन सबकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और कमर्शियल क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत सारा एरिया जो है वो कल्टीवेशन के अंडर आ गया था तो कमर्शियल क्रॉप्स बेसिकली उगाए जाते हैं ताकि हम उनको मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सके तीसरा क्राइटेरिया था ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे फॉरेस्ट एरिया को इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया था उसको अनप्रोडक्टिव मानते थे वो ऐसा मानते थे कि फॉरेस्ट एरिया हमारे किसी भी काम का नहीं है क्यों किसी भी काम का नहीं था क्योंकि उस फॉरेस्ट एरिया से उनकी कोई कमाई नहीं हो पाती थी उस फॉरेस्ट एरिया से वो टैक्स नहीं ले पाते थे लैंड पर रेंट नहीं अर्न कर पाते थे सो इट वॉज वेरी यूजलेस फॉर देम एज दे देडरस्टुड इन्वायरमेंट की तो कोई चिंता ही नहीं थी ना चलो फोर्थ पॉइंट है बच्चों एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम इंडिया अब टिम्बर क्या होती है लकड़ी होती है लकड़ी जो है ये ओक फॉरेस्ट में पाई जाती है तो क्योंकि इंग्लैंड के ओक फॉरेस्ट डिसअपियर होना शुरू हो गए थे कम होना शुरू हो गए थे तो बच्चों हमारी ये जो ब्रिटिशर्स थे दे इंडिया और इंडिया से इनको टिम्बर चाहिए था ताकि ब्रिटिश जो रॉयल नेवी थी रॉयल नेवी को शिप्स बनानी होती थी उन शिप्स के लिए लकड़ी चाहिए होती थी और इंग्लैंड के अंदर नहीं थी तो अब इंडिया से वो लकड़ी मंगवाई जाएगी और द फिफ्थ पॉइंट वॉज द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे तो जब हमारा कॉलोनियल रूल इंडिया में आता है तो कॉलोनियल ऑफिसर्स को ट्रेड करने के लिए बाकी सब चीजों को कैरी आउट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चाहिए था उनको रेलवे चाहिए थी और इसी रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए ट्रैक्स पर बिछाने थे स्लीपर्स बच्चों स्लीपर्स लकड़ी के फट्टे होते हैं जिससे कि ट्रैक को होल्ड करके रखा जाता है और स्लीपर्स के लिए भी हम लोगों को वुड चाहिए थी सो so, ये जो पांच फैक्टर्स थे इन पांच फैक्टर्स की वजह से डिफॉरस्टेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए द फर्स्ट फैक्टर वॉज द राइज इन पॉपुलेशन जिसकी वजह से कल्टिवेशन एक्सपैंड होता है सेकेंड फैक्टर वॉज द डिमांड ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स थर्ड फैक्टर वॉज द डिमांड ऑफ द रॉयल नेवी तो रॉयल नेवी को शिप्स बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी इंग्लैंड के फॉरेस्ट में आ, हम देखते हैं एक डिसअपियरेंस देखने को मिलते हैं तो इंडिया के फॉरेस्ट के टूवर्ड टर्न होते हैं ये लोग साथ ही में इंडिया से आ, जो है अच्छा टिम्बर एक्सपोर्ट किया गया था साथ ही में बच्चों ब्रिटिशर्स जो है फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव मानते थे अनप्रोडक्टिव मानने का मतलब है कि कि उनको लगता था कि इस एरिया से तो हम कोई पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं एंड पांचवा पा पॉइंट क्या था एक्सपेंशन ऑफ रेलवे स्लीपर्स के लिए हमको चाहिए थी टिम्बर लकड़ी ओके okay? तो इसी के साथ आगे चल लेते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री की अभी बचो क्या है मेरी बात सुनिए लिखा हुआ मत पढ़ने लग जाना ध्यान से सुनो अब इतनी सारी डिफॉरेस्टेशन हो रही थी तो ब्रिटिशर्स को ना हल्की फुल्की सी चिंता भी होने लग जाती है कि यार जब इतने सारे पेड़ कट जाएंगे तो फिर हमारी टिम्बर की डिमांड कैसे पूरी होगी और अगर इंडिया में फॉरेस्ट एरिया ही नहीं बचेगा तो फिर हमारे लिए टिम्बर कहाँ से आएगा तो बचो देवर वर्ड अबाउट इट और इसी वजह से वो एक जर्मन एक्सपर्ट डिटरिज ब्रांड को बुला लेते हैं ज ब्रांडेस को बना देते हैं द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट और बच्चों डिटरेज ब्रांडेस इंट्रोड्यूस करते हैं एक नया सिस्टम नए रूल्स और जो भी व्यक्ति उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसको मिलेगी सजा यानी कि उसको मिलेगी तो पर एक सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस वॉज दी समझते हैं लेकिन हल्का सा रीड करते हैं तो ब्रिटिश पर वर्ड दस ट्रीज बाय ट्रेडर्स यूज ऑफ फॉरस्ट बाई द लोकल पीपल वो डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट और इस वजह से ब्रिटिश ब्रांडेस एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट ऑफ इन इंडिया का बना दिया जाता है ही रियलाइज कि उनको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जिसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि फॉरेस्ट एरिया को मैनेज किया जाए और लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन की अब फॉरेस्ट एरिया भी तो बहुत बर्बाद कर दिया अब उसको कंजर्व करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देनी जरूरत है बट इट नीडेड लीगल सैक्शन सो इन एटीन सिक्सटी फोर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वॉज सेटअप इन देहरादून in scientific forestry natural forest which had lots of different types of trees were cut down in 1906 the forest act was enacted which was amended twice once in 1878 and then in 1972 Okay, बच्चों तो यहां पर ध्यान दीजिए 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सेट अप कर दिया जाता है और साइंटिफिक फॉरेस्टरी यहां पर इंट्रोड्यूस की जाती है तो ये जो सारी करा रही जा रही थी साइंटिफिक फॉरेस्टरी की उसका ये मतलब था कि जो फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे अभी वेजिटेशन है बच्चों देखिए जंगल जो होता है जंगल में अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे मौजूद होते हैं तो ये अलग अलग टाइप के पेड़ पौधों को काटा जाएगा और एक पूरे एरिया में एक सेम टाइप ऑफ ट्रीज को प्लांट कर दिया जाएगा दैट टू इन स्ट्रेट रोज ऐसा क्यों किया जाएगा क्योंकि ब्रिटिशर्स को जरूरत थी तो यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं टीक और साल के पेड़ थे उनको लगा दिया जाएगा स्ट्रेट स्ट्रेट रोज में बिकॉज द ब्रिटिशर्स वॉन्टेड और बाकी जो फॉरेस्ट एरिया है जिसमें डायवर्सिटी है उसको काट दिया जाएगा तो दिस वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो कि सिर्फ नाम से साइंटिफिक है असली में बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं थी तो यहाँ पर एज यू नो कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉरेस्ट एक्ट को 1906 में इनैक्ट किया जाता है फिर उसको दो बारी उसमें बदलाव आते हैं अमेंड किया जाता है 1878 में और फिर 1927 में एटीन सेवेंटी की जो एक्ट होती है उसने बच्चों फॉरेस्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा था तो 1878 एटीन एक्ट ने फॉरेस्ट को तीन कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दिया हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट को रिजर्व प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट में डिवाइड कर दिया जाता है रिजर्व फॉरेस्ट एरिया वॉज रिजर्व फॉर द ब्रिटिशर्स की इस एरिया में कोई कदम भी नहीं रखेगा सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड मतलब सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं सेफेस्ट जोन था रिजर्व फॉरेस्ट तो रिजर्व फॉरेस्ट को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था कोई भी विलेजर नहीं कोई भी ट्राइबल लोग नहीं दूसरे थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आप लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज कर सकते हो लेकिन पहले आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी होगी एंड थर्ड वॉज द विलेज फॉरेस्ट जिसको लोग यूज कर सकते थे जहां पर कोई वैल्यूएबल मटीरियल नहीं पाया जाता था अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स तो इसलिए वो फ्री ऑफ यूज था ओके सो थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वर इंट्रोड्यूस्ड आई होप बच्चों यहां तक बात एकदम क्लियर है चिंता हो गई थी कि इतने पेड़ कट रहे हैं हमारे लिए पेड़ नहीं रहेंगे डिटरच डिट 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 ब्रांडिस को बुलाया गया वो भी जो कि एक जर्मन एक्सपर्ट थे उन्होंने आके बोला कि एक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट चाहिए बहुत सारी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सेटअप करा हम देखते हैं कि एक्ट निकाली गई कौन सी एक्ट निकाली गई फॉरेस्ट एक्ट को निकाला गया जिसको एमेंड करा गया और एक अमेंडमेंट के बाद हम देखते हैं कि वहां पर तीन टाइप में फॉरेस्ट एरिया को डिवाइड कर दिया रिजर्व प्रोटेक्टेड विलेज रिजर्व में कोई भी घुस नहीं सकता कोई कदम नहीं रख सकता प्रोटेक्टेड में परमिशन के बाद घुस सकते हो और विलेज फॉरेस्ट को यूज कर सकते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए तो ऐसे जो है धीरे धीरे पाबंदियां लगाई जा रही है लोगों के ऊपर एंड तभी हम लोग आगे आते हैं और यहां पर बात करते हैं कि हाउ वर द लाइव ऑफ पीपल अफेक्टेड इतनी सारी पाबंदियां लगाने के बाद लोगों की जो जिंदगी थी उनको कैसे अफेक्ट uh, किया जा रहा था कैसे उन जिंदगियों पर प्रभाव पड़ा कौन से डिफरेंट ग्रुप से उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट हुई ऑल ऑफ दैट सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे विलेजर्स जो है वो फॉरेस्ट एरिया को यूज कैसे करते थे कैसे इस्तेमाल करते थे तो देवर ऑफ वेज ध्यान से मेरी बात सुनेगा विजर्स फॉरेस्ट एरिया को यूज करते थे फॉर द फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स फल कलेक्ट करते थे ट्यूबर्स कलेक्ट करते थे तो ट्यूबर्स क्या होती है ट्यूबर्स वो रूट्स होती हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जहां पर फूड स्टोर होता है ठीक है तो उनको यूज करते थे देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेडिसिनल हर्ब्स जैसे कि मिलते हैं आपने रामायण में देखा था ना कि कैसे ठीक करा जाता है राम जी को संजीवनी बूटी से तो ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स मेडिसिनल हर्ब्स फॉरेस्ट एरिया में मौजूद होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता था तीसरी चीज़ थी लकड़ी के लिए अब लकड़ी इसे ब्रिटिशर्स ही थोड़ी यूज कर सकते हैं हमारे विलेजर्स और फॉरेस्ट एरिया वाले लोग इसको यूज़ करते थे वुड को अपने जैसे चूल्हा जलाने के लिए फ्यूल रिक्वायरमेंट्स के लिए फर्नीचर बनाने के लिए घर बनाने के लिए एग्रीकल्चरल टूल्स को बनाने के लिए प्लाव वगैरह ये सब उसी के साथ बैम्बू का यूज किया जाता था बास्केट अम्ब्रेला फेंसिंग के लिए जो गोड होती है जो लॉकी होती है उसको ऐसे खोखला करके ड्राई करके उसकी वाटर बॉटल बनाई जाती थी साथ ही में लीव्स को प्लेट की तरह यूज़ किया जाता था रोप्स बनाई जाती थी पेड़ों की बेलों से साथ ही में हम लोग देखते हैं महुआ ट्री से ऑयल बनाया जाता था सो फॉर ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स विलेजर्स यूज द फॉरेस्ट एरिया लेकिन अभी उन पर पाबंदियाँ लगने वाली हैं तो ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में चेंजेस आए थे और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेंजेस लेके आया था इसने हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को कॉलोनियल पीरियड के दौरान कैसे अफेक्ट करा है कैसे इंपैक्ट करा है चलिए देखते हैं सबसे पहला ग्रुप था हमारा विलेजर्स का ग्रुप यानी कि गांव वाले लोग विलेजर्स की लाइफ पर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आया क्योंकि अभी तक विलेजर्स ये सारी की सारी चीजें फॉरेस्ट एरिया से ले रहे थे है ना कलेक्ट करते थे यूज करते थे बट अभी जो है बच्चों बहुत सारी चीजों पर बैन लग दिया जाता है फॉरेस्ट एक्ट की बदौलत विलेजर्स लकड़ी नहीं काट सकते थे विलेजर्स अपने एनिमल्स को चारा चरवाने के लिए फॉरेस्ट एरिया में नहीं लेके जा सकते थे वो फ्रूट्स नहीं कलेक्ट कर सकते थे वो हंटिंग नहीं कर सकते थे तो इसी वजह से हमारे विलेजर्स जो हैं अब रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में छुपके से घुस लॉ को वायलेट करके लकड़ी कलेक्ट करने लगे क्योंकि अब कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं था सो so, उनको छुपके से घुसना पड़ता था लकड़ी कलेक्ट चोरी करनी पड़ती थी इन अ वे यू कैन से दैट और राइट सो आए हुए बात आप लोगों को समझ में आई है की विलेजर्स को कैसे फर्क पड़ा ठीक है तो उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस वुड को कटिंग ऑफ वुड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स हंटिंग कलेक्टिंग फ्रूट्स, इन सब चीजों पर एक बैन लग गया था सो देर फोर दे हैड टू स्नीक इन टू कलेक्ट वुड एंड सॉर्ट ऑफ स्टील इट ओके विलेजर्स के बाद बात कर लेते हैं हमारे सेकंड ग्रुप की जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको स्वीडन एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है कहीं कहीं पर लोकली झूम बेवार पोडू अलग अलग नामों से जाना जाता है मिलपा एंड ऑल है ना अब बच्चों जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये लोग कल्टिवेशन प्रैक्टिस कैसे करते थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाकर कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते थे एक पीस ऑफ लैंड लेते थे उसको सबसे पहले जितने पेड़ होते थे उनको जलाया जाता था फिर जो राख बचती

कि दे कंसिडर्ड इट हार्मफुल बिकॉज उस पर्टिकुलर एरिया में वो टिम्बर ग्रो नहीं कर पाते थे तो जो टिम्बर ब्रिटिशर्स को चाहिए था क्योंकि ब्रिटिशर्स मतलब ही थे तो जिस एरिया में लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पे क्योंकि वो टिम्बर नहीं उगा पाते थे That is why उनको ये practice harmful लगती थी। थी दूसरी चीज़ थी वो कहते थे कि फॉरेस्ट फायर लग जाएगी किसी दिन आप हल्का से पैच ऑफ लैंड पे आग लगाओ हो सकता है पूरे जंगल में आग लग जाए तो हमारा बहुत सारा वैल्यूएबल टिम्बर तबाह हो जाएगा आपकी इस प्रैक्टिस के चक्कर में इस वजह से भी हार्मफुल है एंड तीसरी चीज थी कि यहाँ पे ये जो लैंड जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस होती थी उस पर ब्रिटिशर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं ले पाती थी तो ड्यू टू दीज थ्री रीजन द शिफ्टिंग कल्टिवेशन वॉज कंसिडर्ड हार्मफुल एंड इट वॉज बैंड ठीक है तीन रीजन क्या थे सबसे पहला क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर टिम्बर नहीं ग्रो होता था सेकंड रीजन वाज़ द रिस्क ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड द थर्ड रीजन वाज़ दैट नो टैक्स फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट राइट नाउ द थर्ड ग्रुप वॉज द हंटर्स एंड गैदरर्स गैदर वो सारे लोग जो हंटिंग करके आराम से भी शिकार करके रहते थे छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे उनकी इस हंटिंग की प्रैक्टिस पर पूरा का पूरा बैन लगा दिया जाता है और ब्रिटिशर्स पता है खुद खुद हंटिंग करनी शुरू कर देते हैं वो भी बिग एनिमल्स की शेर हाथी चीते इन सब की हंटिंग करनी शुरू कर देते हैं जैसे कि उस टाइम पे राजा महाराजा लोग किया करते थे एंड दे यूज टू कंसिडर एज समथिंग की जिससे हमारा जो प्राइड है वो बढ़ेगा लोग हमारी और ज्यादा इज्जत करेंगे कि देखो यार इसने कितने बड़े जानवर को मार गिराया है प्लस वो ये रीजन देते दे थे कि हमने ये प्रैक्टिस बैन इसलिए करी है ताकि लोग जानवरों को मारे ना पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया को थोड़ा सिविलाइज बनाना चाहते हैं क्योंकि इंडिया भी काफी जंगली है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जानवर हैं है दिस वॉज अ वेरी वी कैन से बहुत ही वेग सा आर्ग्यूमेंट कोई मतलब नहीं है इस चीज का बट हाँ वो करे तो सही है हम करे तो गुना है वो वाली चीज है चलो नेक्स्ट चीज थी बच्चों पेस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटी पेस्टोरलिस्ट और नोमैडिक कम्युनिटी वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है अपने गाय भैंसों भेड़ों को चारा चढ़वाने के लिए तो बच्चों ग्रेजिंग पर भी बैन लगा दिया जाता है तो बहुत सारी हमारी कम्युनिटीज थी युकूला ट्राइब कोरावा कराचाई तो ये सारी ट्राइब्स थी और ये सब लोग ग्रेजिंग पर डिपेंडेंट थे अब जिन लोगों ने ग्रेजिंग को कंटिन्यूड रखा ग्रेजिंग की प्रैक्टिस जो लोग करते रहे उनको क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम दे दिया और जिन लोगों ने ग्रेजिंग की प्रैक्टिस को गिव अप कर दिया उन लोगों को वर्कर्स बना दिया गया फैक्ट्रीज के अंदर माइन्स के अंदर उनसे काम करवाना चालू करवा दिया गया तो बच्चों ये चार ग्रुप्स जो थे विलेजर्स इन चार की पर पड़े हैं हमारे इन चेंजिंग फॉरेस्ट लॉज की वजह से आपने ये सारी चीजें देख ली है चलिए अब आगे चलते हैं अब यहाँ तक हमको ये तो समझ में आ गया है लेकिन अब आगे चल के देखते हैं कि एक ऐसी जगह जहां पर रिबेलियन होता है तो उस जगह का नाम है बस्तर सबसे पहले बात करते हैं बस्तर जो जगह है उसके बारे में तो बस्तर के अंदर बहुत सी अलग अलग कम्युनिटीज बहुत से अलग अलग समुदाय रहते थे जैसे कि मारिया मुरिया गोन्स धुरवास भाटाज तो ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज थी इनकी भाषाएं तो अलग थी लेकिन इनके कस्टम्स बिल्कुल ही सेम थे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बच्चों ये मदर अर्थ को बहुत ज्यादा मान्यता देते थे ऑफरिंग्स भी करते थे क्योंकि इनको लगता था कि मदर अर्थ ने हमको जमीन दी है हर जो विलेज लीडर्स होते थे लोकल विलेजर्स वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो उनकी बाउंड्रीज तक आते थे उनका ख्याल रखते थे और अगर किसी को बाहर से आके उनकी रिसोर्सेज लेना है तो छोटी सी एक फी जैसे कि देव सारी दंड या मान देना पड़ता था और फिर वो रिसोर्सेज लेकर जा सकते थे तो इट वाज अ वेरी पीसफुल सिस्टम अ वेरी नाइस सिस्टम लेकिन यहाँ पर रिबेलियन होता है लोग बाघी बनते हैं क्यों बनते हैं बाघी इसके पीछे हैं कुछ

बिना किसी नोटिस के बिना किसी रीज़न के एंड फिफ्थ पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा लैंड रेंट इनसे लिया जाता था और फ्री गुड्स और सर्विसेज की भी डिमांड की जाती थी ऑफिसर्स uh, द्वारा तो ऑफिसर्स इनको ब्लैकमेल करते थे और इनसे ये सारी चीज़ें भी डिमांड करते थे तो इन सभी चीज़ों की वजह से हमारे जो बस्तर के लोग थे जो विलेजर्स थे दे बिकेम आउटरीच्ड एंड दे रिबेल्ड ओके, फाइव रीजंस, टू थर्ड फॉरेस्ट एरिया कन्वर्टेड रिजर्व फॉरेस्ट, वेदर पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन बैन ऑन हंटिंग उसी के साथ साथ विलेजर्स फ्रॉम देर होम्स विदाउट एनी नोटिस एंड फिफ्थली हाई लैंड रेंट्स एंड डिमांड फ्री गुड्स एंड सर्विस बाई दर्स बट लोग जो है बाजार को लूटते हैं हमारी जितनी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज होती है जैसे की पुलिस स्टेशन है स्कूल है वहां पर जलाते हैं उन जगहों को अटैक करते हैं साथ ही में कॉलोनियल ऑफिशियल्स को भी अटैक करते है और ब्रिटिशर्स भी रुकने गए उनका भी रिएक्शन यही था बच्चों उन्होंने ट्रूप्स को भेजा ताकि वो इन लोगों को सप्रेस कर सके और बहुत सारे रिबेल्स को मार डाला और उनको पनिश करा सो so, दोनों ही साइड से यहां पे लड़ाई जो है चल रही थी अब यहाँ तक तो हम लोगों ने ना इंडियन कॉन्टेक्सट में सारी की सारी चीज़ें देख ली हैं कि रिबेलियन क्यों हो गया है लोगों की क्या क्या परेशानियाँ थी सारी चीज़ें देख चुके हैं ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सप्लोयर करा लेकिन अब हम थोड़ा इंटरनेशनल जाने वाले हैं इंटरनेशनल यानी कि बच्चों हम लोग जाने वाले हैं जावा में और जावा जो है ना एक ऐसी जगह थी जो कि एक टाइम के अंदर

villages existed in the fertile plains there were also many communities living in the mountains practicing shifting cultivation so yahan par bhi hisab kuch waisa hi tha bahut se log shifting cultivation bhi yahan pe practice karte the just like India. Now, Java की कम्युनिटी की यहां पर बात की गई है जो कि है कलंग ऑफ जावा जो कि स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स थे तो बस ये forest cutters थे और काफी स्किल्ड तरीके से forest को काटते थे और ये shifting cultivation भी practice करते थे दे आर एक्सपर्ट्स इन हार्वेस्टिंग टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड पैलेसेस तो टीक को काटते थे टीक के जो फॉरेस्ट होते थे ट्रीज होते थे उनको काटते थे और उन लकड़ियों से पैलेसेस भी किंग्स बिल्ड करते थे तो इतने स्किल्ड थे ये सो जब डच आते हैं और कंट्रोल हासिल करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर इन देंचुरी दे ट्राई टू मेक द कलंगज वर्क आन दैम एंड सेवनटीन सेवन रेजिस्टेड बाई अटैकिंग डच फोर्ट एट जोना बट द अपराइजिंग वर्ल्स Suppressed. तो बच्चों जब डच आते हैं उनको भी पता चल जाता है कि यहां पर एक कम्युनिटी है कलंग्स जो कि बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वुड कटर्स हैं तो वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि कलंग्स उनके लिए काम करें बट कलंग्स आउट इनको रिफ्यूज कर देते हैं वो बोलते हैं कि हम आपके लिए काम नहीं कर सकते तो सेवनटीन में एक ज्वाना में फोर्ट होता है वहां पर डच अटैक करते हैं लेकिन बच्चों आ, सॉरी डच नहीं अटैक करते वहां पर ये फॉरेस्ट कटर्स अटैक करते हैं वुड कटर्स अटैक करते हैं और डच जो है रेजिस्ट करते हैं अपनी आर्मी का सपोर्ट लेकर आगे क्या होता है देखते हैं डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यहां पर भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आ गई सो नाइनटीन सेंचुरी में डच इनैक्टेड लॉज इनिंगली कट फॉर मेकिंग रिवर बोट्रक्टिंग दउेज विजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट और ट्रैवलिंग ऑन फॉरस्ट रोड्स विद हॉर्स कार्ड्स और कैटल तो बचो नाइनटीन सेंचुरी के अंदर डच ने फॉरेस्ट लॉज जावा में इंट्रोड्यूस करे जहां पर विलेजर्स को रोक दिया गया फॉरेस्ट में घुसने से और फॉरेस्ट को यूज करने से वुड जो है सिर्फ दो पर्पसेस के लिए यूज हो सकती थी या तो आपको रिवर बोट्स बनानी है उसके लिए लकड़ी चाहिए या फिर घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थो. और जो भी विलेजर्स अगर अपनी भेड़ बकरियों को चारा चरवाते दिख गए या फिर लकड़ी को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हुए दिख गए बिना परमिट लिए या फिर फॉरेस्ट रोड्स पर अगर कोई भी विलेजर हॉर्स कार्ड अपनी घोड़ा गाड़ी या कैटल को लेकर दिख गए तो उनको जो है बहुत ही बुरी पनिशमेंट दी जाएगी डच गवर्नमेंट द्वारा बचो यहां पर इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करा सिस्टम जिसका नाम था ब्लैंडोंग डाइनस्टेन सिस्टम ब्लैंडोंग डाइनस्टेन सिस्टम सुनने में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि भाई क्या ये सिस्टम बना डाला है लेकिन इट वॉज अ वेरी सिंपल सिस्टम तो यहां पर देखिए डच ने They imposed rents on the land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these rents if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. बच्चों इनको भी timber ही चाहिए था। ये क्या करते थे? इस system के तहत ये ना rent लिया करते थे। Rent किससे लिया करते थे? जो भी cultivation हो रही थी forest के अंदर जहाँ लोग खेती बाड़ी करते थे उसपे ये रेंट लिया करते थे किराया लिया करते थे लेकिन इन्होंने बोला इस सिस्टम में कि यार कुछ लोगों को ना ये रेंट नहीं देना पड़ेगा अगर वो लोग कलेक्टिवली काम करें अपनी लेबर हमको प्रोवाइड करें बफेलोज़ जो उनके पास है वो हमको प्रोवाइड करें टिम्बर काटे और टिम्बर के ट्रांसपोर्ट करने में अगर हमारी मदद करेंगे डच गवर्नमेंट की मदद करेंगे तो उन लोगों को वो रेंट नहीं देना पड़ेगा सो दिस वॉज द सिस्टम सिंपल सी चीजें रेंट लेते थे लेकिन कुछ लोगों को एग्जेम्ट किया जाएगा इफ दे वर्क फॉर द डच गवर्नमेंट ऑल राइट सामिन चैलेंज की बात कर लेते हैं सो so, रॉन्टिको सामिन ऑफ रैंडम ब्लैट विलेज अटीक फॉरेस्ट विज क्वेश्चन द स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट एंड आर्ग्यू द स्टेट है विंड वॉटर अर्थ वर्ड सो इट कुन इट बहुत ही सिंपल सी आर्ग्यूमेंट सामने देते हैं और वो बोलते हैं बच्चों वो एक विलेज को बिलोंग करते थे जिसका नाम थोड़ा सा रान्डू बहुत ही व्यर्ड सा है और ये एक टीक फॉरेस्ट विलेज था यहाँ पे टीक के पेड़ होते थे बहुत अच्छी लकड़ी मिलती थी और उन्होंने बोला कि डच गवर्नमेंट किस हिसाब से फॉरेस्ट को कंट्रोल कर रही है क्योंकि फॉरेस्ट को वो तो ओन कर ही नहीं सकते अगर आप बात करो हवा की पानी की इस पृथ्वी की या फिर लकड़ी की ये तो सारी चीजें भगवान ने क्रिएट करी है इन्होंने थोड़ी क्रिएट करी है तो ये उसको ओन भी कैसे कर सकते हैं और बच्चों धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट यहाँ पे डेवलप होती है They, it, or or so, बहुत लोगों ने करा, सामिन की से सामिनिस थे उनके साथ ही हो लगते हैं। लोग करते, अपनी जमीन पर लेट जाते थे अगर डच उसको सर्वे करने के लिए आते थे तो, तो दिस वॉज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट और बहुत से लोगों ने बोला की हम अपनी फ्री लेबर नहीं प्रोवाइड करेंगे हम लोग टैक्सेस नहीं देंगे फाइनस नहीं देंगे आपको कुछ नहीं करेंगे नॉन कोऑपरेशन तो वाली चीजें यहां पे हो रही थी लास्टली यहां पे बात करी जाती है वॉर एंडेशन की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक रियली डिफिकल्ट होता क्या है यहां पे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बहुत ही बुरा इंपैक्ट जावा में देखने को मिलता है क्योंकि डच यहाँ पे एक पॉलिसी फॉलो करनी शुरू करते हैं जो थी सिंपली इस पॉलिसी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा क्योंकि बच्चों क्योंकि फॉरेस्ट एरिया डच लोगों का नहीं हो पा रहा था उन्हें डर था कि जापानीज लोग कब्जा करेंगे यहां जावा को और जापानीज लोग जो है सारा फॉरेस्ट एरिया यूज कर लेंगे ताकि वो एरिया उनके कब्जे में ना आए तो यहां पे डच जो है फॉरेस्ट एरिया को बुरे तरीके से एक्सप्लॉयट करने लग जाते हैं आग लगा दी उन्होंने पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया में ठीक है जो भी बचे हुए रिसोर्सेज थे उन सब पे आग लगा दी कि हम नहीं यूज कर पा रहे तो कोई और भी यूज नहीं करेगा तो जाइंट टीक की जो पाइल्स थी सॉम्स सबको डिस्ट्रॉय कर दिया और बच्चों हम लोग देखते हैं कि जावा जो कि एक टाइम पे बहुत ही बढ़िया जहां फॉरेस्ट एरिया होता था वहां कुछ भी नहीं रह गया ऑल राइट right, तो इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन होता है समाप्त ऐसे और भी चैप्टर्स अगर देखने हैं तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो विद द नेम ऑफ द चैप्टर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन बाय गाइस